मैं क्यों एंजियोप्लास्टी और बाईपास सर्जरी के खिलाफ विरुद्ध हूँ, एकला चल रहा हूँ, उसका रीजन है दोस्तों, व्हाई नॉट इनवेसिव सीटी एंजियोग्राफी, व्हाई नॉट एंजियोप्लास्टी एंड व्हाई नॉट बाईपास सर्जरी। रीजन नंबर वन, बॉडी शुड बी लीस्ट डिस्टर्ब। ये जो भगवान का जो गिफ्ट मिला हुआ है ना, ये शरीर भगवान का बहुत बड़ा दिया हुआ गिफ्ट है, इसको जितना कम छेड़खानी करेंगे ना उतना हमारे लिए अच्छा होगा। मैं आपसे कहता हूँ कि पेड़ से एक फूल तोड़ के आइए और बाद में कहता हूँ जाइए लगा के आइए, आप लगा पाएंगे? मैं आपको अनार देता हूँ, अनार पॉमग्रेनेट, उसके सारे दाने में निकाल देता हूँ और बाद में कहता हूँ कि इस दाने को जैसे धरा था वैसे पैकिंग करके मुझे दिखाइए। दुनिया की बेहतरीन से बेहतरीन टेक्नोलॉजी का आप इस्तेमाल कर दोगे, आप पहले जैसा नहीं भर पाओगे, ऑरिजिनल रूप में उसको नहीं ला पाओगे दोस्तों। ये शरीर भी भगवान का बहुत बड़ा गिफ्ट है, नेचर का बहुत बड़ा गिफ्ट है। अगर हम तोड़ेंगे फूल को एज इट इज नहीं लगा सकते, अगर हम अनार के दाने को जो अलग किया गया उसको एज इट इज नहीं बिठा सकते हैं, तो इस शरीर से छेड़खानी करने के बाद हम कैसे इसको नेचुरल रूप में रख पाएंगे, हम कैसे इसको भगवान ने जिस रूप में इसकी पैकिंग की उसको कर पाएंगे, मुझे बताइए दोस्तों। सो बॉडी शुड बी लीस्ट डिस्टर्ब। नॉन इन्वेजिव लाइफ स्टाइल ट्रीटमेंट इज मोर लॉजिकल एंड मोर साइंटिफिक। नॉन इन्वेजिव का मतलब होता है बिना चीड़ फाड़ का जो ट्रीटमेंट होता है वो ज्यादा लॉजिकल है और वो ज्यादा साइंटिफिक है। कैसे, वो भी मैं बताता हूँ आपको। एक BMW गाड़ी के ऊपर आप एक स्क्रैच मार दीजिए और अपने हाथ के ऊपर एक स्क्रैच मार दीजिए, 10 दिन के बाद दोनों का स्क्रैचिंग देख लीजिए, आपके हाथ की जो स्क्रैचिंग है ना वो अपने आप हील हो जाएगी, आपके BMW गाड़ी की स्क्रैचिंग एज इट इज रहने वाली है। हमारे हाथ फ्रैक्चर हो जाते हैं, डॉक्टर क्या करते हैं, क्या करते हैं बताइए, प्लास्टर लगा देते हैं, प्लास्टर लगा देते हैं और बोलते हैं रेस्ट रेस्ट करना इसको जरूरी है, बाकी काम हमारी बॉडी कर लेती है अपने आप, हीलिंग का काम हमारी बॉडी अपने आप कर लेती है, क्योंकि हीलिंग का काम हमारे सबकॉन्शियस माइंड के पास है, बाकी किसी डॉक्टर के पास नहीं है। हीलिंग का मतलब क्या होता है, मतलब डॉक्टर क्या करते हैं, डॉक्टर ट्रीटमेंट देते हैं, क्या देते हैं, डॉक्टर ट्रीटमेंट देते हैं। ट्रीटमेंट का मतलब क्या होता है, यहाँ दर्द हुआ ये गोली खाओ, ये बुखार आ गया ये लोग, बीपी बढ़ गया ये लोग, ये ट्रीटमेंट देते हैं। आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है, आपकी बीमारी में थोड़ा सा राहत हो रहा है, उलट आपका वो बीमारी और कॉम्प्लिकेट हो रहा है ना, क्योंकि देखिए जितनी बीपी की मरीज है, शुगर के मरीज है, दवाइयाँ सालों साल खा रहे, फिर भी शुगर कंट्रोल में नहीं होता, बीपी कंट्रोल में नहीं था, नीचे गया, घटा दिया, ऊपर गया, बढ़ा दिया और दो चार ऐड कर दिया, कॉम्प्लिकेशन होते जाते हैं और एक दिन क्या होता है भाई, मल्टी ऑर्गन फेलियर में पेशेंट चला गया। किसकी वजह से चला गया, आप उन दवाइयों की वजह से चला गया, इसमें उस पेशेंट की कोई गलती नहीं है दोस्तों। नॉन इन्वेजिव लाइफस्टाइल ट्रीटमेंट इज मोर लॉजिकल एंड मोर साइंटिफिक। ट्रीटमेंट डॉक्टर करता है लेकिन हीलिंग कौन करता है, हीलिंग मेरे जैसे डॉक्टर्स करते हैं। हीलिंग का मतलब होता है बीमारी को जड़ से मिटा देना, हर बीमारी को हम जड़ से मिटा सकते हैं, कुछ भी दुनिया में इनक्यूरेबल नहीं है दोस्तों। इन का मतलब होता है अंदर, क्योर मतलब क्योर करना मतलब ठीक होना, अंदर की दुनिया में अगर काम करना शुरू कर दें, अपने आप के ऊपर काम करना शुरू कर दें तो हर बीमारी क्योर हो सकती है। कुछ भी इनक्यूरेबल नहीं है इस दुनिया में, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है इस दुनिया में, क्योंकि इम्पॉसिबल हमसे हम कहता है आई एम पॉसिबल कहता है, इम्पॉसिबल में भी पॉसिबिलिटी छिपी हुई है दोस्तों। तो हीलिंग का जो पावर है हमारे अंदर खुद है, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड, हमारे दो माइंड होते हैं, कॉन्शियस माइंड होता है, सबकॉन्शियस माइंड होता है। कॉन्शियस माइंड लॉजिकल होता है जिसके पास केवल 10% पावर होते हैं, बट सबकॉन्शियस माइंड इलॉजिकल होता है दोस्तों। 90 to 95% पावर सबकॉन्शियस के पास है जिसके बारे में हम जानते नहीं, समझते नहीं, पहचानते नहीं, तो यूज कैसे करेंगे। एवरीथिंग एंड एनीथिंग कैन बी अचीव्ड बाय यूजिंग योर पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड के पावर को अगर आप समझ जाओगे तो जो चाहोगे वो पा सकोगे दुनिया में, जो चाहिए वो आपको मैनिफेस्ट हो सकता है। बीमारी ठीक करना हो जाएगा, पैसे की कमी है पैसा भी आकर्षित होगा, रिश्ते टूट रहे हैं रिश्ते भी मजबूत होंगे, कैरियर में भी ऊंचा जाओगे, आपके दुनिया में सब कुछ अच्छा चलेगा, तब जब आप सबकॉन्शियस माइंड के पावर को समझोगे। और इसीलिए बीइंग ए डॉक्टर जब मुझे ये बात बहुत जल्दी समझ में आ गई, प्रैक्टिस के लिए उतरा, मैंने बहुत सारे देखे पेशेंट आ रहे जा रहे, दवाइयाँ दे रहा हूँ, वही पेशेंट बार बार आ रहा है, मेरे मन में एक कसर चीज लगी कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। मेरा भी बीपी एक समय बढ़ गया था तो दवा खाना नहीं चाहता था, मैं उसके विरुद्ध था पहले से, क्योंकि बचपन से मेरी योगा मेडिटेशन में बहुत इंटरेस्ट था, मैं वर्ल्ड क्लास मेडिटेटर भी हूँ, हीलर भी हूँ, बहुत सारे नॉलेज लिए हुए, बहुत सारे काम कर रहा हूँ, बहुत सारे एक्सपीरियंस भी है, मुझे पता चला मैंने अपने ऊपर काम किया विदाउट टेकिंग अ सिंगल मेडिसिन। आज 55 की एज रन कर रहा हूँ दोस्तों, आपके सामने खड़ा हूँ, आप मेरा कुछ भी चेक कर लीजिए।